नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम एसएससी जीडी का ओडिशा का फीमेल का फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाला है बताने वाले इस वीडियो में। तो हम मेल का बता चुके हैं, अपने चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपका भी कट ऑफ डाल देंगे। तो ओडिशा स्टेट का फीमेल कैंडिडेट का आपका जनरल एरिया या नक्सल या बॉर्डर एरिया का कितना फाइनल कट ऑफ जाने वाला है, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उस पर, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं 160 मार्क्स में से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है फीमेल कैंडिडेट का कितना जाएगा 55 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का नक्सल या बॉर्डर एरिया में कितना जाएगा 55 मार्क्स। ध्यान से देखना आपको, जैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यहाँ पर एससी, यहाँ पर एसटी, यहाँ पर ओबीसी, यहाँ पर जनरल, जनरल दो दो को क्यों लिखा है, क्योंकि एक जनरल एरिया एक नक्सल या बॉर्डर एरिया। जैसे कि ओडिशा में क्या होता है, नक्सल एरिया, राजस्थान में होता है बॉर्डर एरिया, सबको सबको बताना रहता है, इसलिए हम स्लैश देकर ऐसे लिख लेते हैं। तो बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में जनरल एरिया में फीमेल का कितना जाएगा, तो वो भी कितना होगा यहाँ पर 56 मार्क्स, कितना 56 मार्क्स। बात करें एससी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया, तो आपका कितना होगा 60 मार्क्स जाएगा, कितना 60 मार्क्स अगर ला रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप फीमेल कैंडिडेट है ओडिशा से एससी कैटेगरी में, ठीक है। एससी कैटेगरी में बॉर्डर एरिया का था, अब एससी कैटेगरी में जनरल एरिया में लेना चाहते हैं तो उसके लिए कितना 3 मार्क्स ज्यादा लाना होगा, 63 मार्क्स, कितना 63 मार्क्स। अब बात करें एसटी कैटेगरी में बॉर्डर या नक्सल एरिया, तो उसमें आपका क्या होगा एसटी कैटेगरी में बॉर्डर या नक्सल एरिया में 62 मार्क्स, कितना 62 मार्क्स, ठीक है 62 मार्क्स। उसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी में जनरल एरिया, एसटी कैटेगरी में जनरल एरिया में क्या होगा 64 मार्क्स, कितना होगा 64 मार्क्स। फिर आपका आता है ओबीसी, तो ओबीसी कैटेगरी में आपका कितना होगा 65 मार्क्स, ओबीसी का नक्सल एरिया में कितना होगा 65 मार्क्स, और वही ओबीसी का जनरल, ओबीसी का यहाँ पर अगर जनरल एरिया में बात करें तो जनरल एरिया में आपका क्या होगा, जनरल एरिया में आपका होगा 90 मार्क्स, कितना 90 मार्क्स। तो देखते हैं अंतर, देख सकते हैं कि ओबीसी का अगर आपको जनरल एरिया चाहिए तो आपको 90 मार्क्स लाना होगा, और अगर कम लाते हैं 65 के आसपास तो नक्सल एरिया मिलेगा, ठीक है। बात करें जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट के लिए आपको कितना, जनरल कैंडिडेट में बॉर्डर या नक्सल एरिया के लिए कितना मार्क्स लाना होगा ओडिशा में 67, ठीक है। अगर कोई भी लड़की है जो कि जनरल कैटेगरी की है, अगर वे 67 के आसपास लाती है तो उसको नक्सल एरिया मिलेगा, लेकिन अगर 77 के आसपास लाती है तो उसको जनरल एरिया मिलेगा। जनरल एरिया कौन सा होता है, सिटी एरिया, जहाँ पर नक्सल ग्रुप ये सब नहीं रहते हैं, थोड़ा आपको डर कम रहता है, ठीक है। ये आपका था ओडिशा का फीमेल का कटअप। इसके अलावा कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।